एनर्जी हाउस के नाम से मशहूर एक्टर रणवीर सिंह एक समय में कई काम कर सकते हैं, ये हम नहीं बल्कि उनकी एक्टिविटीज कह रही हैं। संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म पद्मावती के प्रमोशन में बिजी होने के बावजूद उन्होंने 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम पर बन रही फिल्म की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते दिनों रणवीर सिंह मुंबई के बांद्रा में एक फुटबॉल ग्राउंड पर देखे गए, जहां शायद उनका प्रैक्टिस सेशन चल रहा होगा। बाद में उनके सह अभिनेता डिनो मोरिया भी उनके साथ ग्राउंड पर फुटबॉल खेलते देखे गए। खिलाड़ी या खेल को रुपहले पर्दे पर उतारना कभी भी आसान नहीं होता। एक खिलाड़ी के रूप में दिखना और प्रदर्शन करना दोनों ही काफी अहम होता है। खेल या खिलाड़ियों पर बनी बायोपिक में पहले सुशांत सिंह राजपूत और उसके पहले प्रियंका चोपड़ा की मेहनत किसी से छिपी नहीं है। फिल्म के बारे में निर्देशक कबीर खान ने कहा कि उनकी यह फिल्म कपिल देव की बायोपिक नहीं है, बल्कि यह भारत के 1983 के क्रिकेट विश्व कप जीतने की कहानी है। रणवीर सिंह 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में होंगे। खास बात यह है कि खुद कपिल देव ही अभिनेता रणवीर सिंह को क्रिकेट के गुर सिखाएंगे। आपको बता दें कि भारत ने 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में इंग्लैंड में विश्व कप जीता था। फिल्म के लिए पूरी टीम क्रिकेट की तैयारी से गुजरेगी। एक बूट कैंप होगा जहां अभिनेताओं को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1983 की विश्व कप विजेता टीम भी फिल्म में मदद करेगी, जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी।